नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। आज का लेक्चर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ऊपर होगा। विदिशा जिले से जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं देरी ना करते हुए विदिशा जिले के बारे में। विदिशा से पहला फैक्ट देखिए। विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा, महामलिस्तान या बेस नगर था। ये तीन नाम मिलते हैं विदिशा के, भेलसा, महामलिस्तान या बेस नगर था। पुराणों में विदिशा का नाम भद्रावती पुरम मिलता है। याद रखिए, पुराणों में क्या नाम मिलता है इसका? भद्रावती पुरम। और जैन ग्रंथों में भडलपुर या भडलपुर मिलता है। यानी भडलपुर याद रखिए, जैन ग्रंथों में क्या मिलता है? भडलपुर। विदिशा क्षेत्र का प्राचीन जनपद दर्शन था। दर्शन को 10 किलो वाले की संख्या दी गई है, याद रखिए। दर्शन का मतलब 10 किलो वाले की संख्या दी गई है। ये दर्शन विदिशा क्षेत्र का प्राचीन जनपद था, यह आता है पेपर में, इसे याद रखिए। मुगल काल औरंगजेब के समय आलमगीरपुर कहा जाता था, याद रखिए। आलमगीरपुर कब? औरंगजेब के समय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयगिरी की गुफाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में? विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है, याद रखिए। उदयगिरी विश्व प्रसिद्ध गुफाएं विदिशा जिले में है, याद रखिए। कौन से जिले में? विदिशा में। विश्व प्रसिद्ध है ये गुफाएं। यहां 20 गुफाएं हैं, यहां पर जो है 20 गुफाएं हैं। 1 से 20 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिए, जैन धर्म से संबंधित है ये गुफाएं, 1 से लेकर 20। और ये पांचवी जो गुफा है उसे वाराह गुफा कहा जाता है, याद रखिए, वाराह गुफा, पांचवी गुफा को। और यहाँ विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा स्थापित है, ऐसा पूछा जाएगा पेपर में, विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा किस गुफा में है करके। तो ऑप्शन रहेगा उदयगिरी की गुफा, इस टाइप का बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। इसे वाराह गुफा भी कहा जा सकता है, वाराह गुफा, याद रखिए। वाराह की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? यहाँ उदयगिरी की गुफा में, पांचवी गुफा में। यहाँ आगे देखिए, यहाँ वीर सेन सैव का अभिलेख एक अभिलेख भी है इस गुफा में। और यहाँ ये गुप्तकालीन है, ये जो गुफा है ये गुप्तकालीन है, 4वीं-5वीं सदी में निर्मित या संबंधित है। तो इतने फैक्ट यहाँ से देखिए, ये याद रखिए, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा, आता है पेपर में। आगे देखते हैं, जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली है भडलपुर, याद रखिए। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली कहां पर है? विदिशा के भडलपुर में। माहिष्मती यानी महेश्वर के बाद विदिशा ही इस क्षेत्र का सबसे पुराना नगर माना जाता है, याद रखिए। माहिष्मती महेश्वर के बाद सबसे पुराना नगर अगर कोई है अपने मध्य प्रदेश इस क्षेत्र का, तो विदिशा ही है। आगे देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुड़ ध्वज स्तंभ कहां पर है? विदिशा में। गरुड़ ध्वज स्तंभ विदिशा के बेस नगर में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने, याद रखिए, पूछा जाता है ये, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने। और ये हेलियोडोरस स्तंभ को वहां की लोक भाषा में खंबा बाबा के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा ही बन सकता है क्वेश्चन, खंबा बाबा इसी को कहा गया है, वहां की लोक भाषा में इसे खंबा बाबा के रूप में जाना जाता है। और यहां पर यक्ष पक्षी की प्रतिमा स्थापित है, इसे भी याद रखिए, यहां पर जो है यक्ष पक्षी की प्रतिमा स्थापित है। और हेलियोडोरस भारत यूनानी राजा अंत लिखित का सुंग राजा बाघ भद्र में दूत था,
कहने का मतलब इफेक्ट को आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए हेलियोडोरस जो था वो भारत और यूनानी राजा अंत लिखित का सुंग राजा भाग भागभद्र में दूत था, यानी इनके यहाँ दूत था ये कहा गया इस फैक्ट में। यह पाली भाषा में ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया गया है, याद रखिए। और ये या भागवत धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है, ये पूछा जाएगा इस टाइप का भी, भागवत धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी कहाँ मिलती है, तो गरुड़ ध्वज स्तंभ में जो विदिशा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आता है पेपर में, याद रखिए। आगे देखते हैं, रामायण काल में शत्रुघ्न के पुत्र रामायण काल में शत्रुघ्न के पुत्र सूत्रघाती ने विदिशा क्षेत्र पर शासन किया था, इसकी राजधानी कुशावती थी। यहां से यह भी फैक्ट आता है, रामायण काल की जानकारी मिलती है, इसकी राजधानी क्या थी, कुशावती, और शत्रुघ्न के पुत्र सूत्रघाती ने विदिशा क्षेत्र पर शासन किया था, ये भी फैक्ट बन सकता है, याद रखिए। सम्राट अशोक की रानी महादेवी यहां नगर के सेठ की पुत्री थी, तो ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन है, इस क्षेत्र का जो है कालिदास की रचना मेघदूत में इसका वर्णन है, और मेघदूत से याद आया, मेघदूत में अमरकंटक का भी वर्णन है, याद रखिए। मालविकी अग्निमित्रम, कालिदास की रचना मालविकी अग्निमित्रम में नाट्य में अग्निमित्र नायक है, तो इसे भी याद रखिए। तो इतनी जानकारी थी, और कुछ फैक्ट रह गए हैं, आगे देखते हैं अपन। आगे देखिए इसके बारे में, उदयपुर का प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर यह परमारकालीन और भूमित शैली का है, यह परमारकालीन है, इसे याद रखिए। उदयपुर का प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर। ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट, आपने सुना होगा ये इतिहास, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इतिहास या प्रागैतिहासिक से बीती हुई घटनाओं के प्रमाण जहां मिले हैं उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। आगे देखिए यहां से कुछ पर्यटन स्थल देख लीजिए, जहां से क्वेश्चन आता है। विदिशा का किला ये एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा विदिशा के किले में रायसेन की दिशा में रायसेन दरवाजा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मरखेड़ा सतखनी हवेली दशावतार मंदिर बाजरा मठ बीज मंडल कहलाता है, ये लोहांगी पहाड़ी ये इंपॉर्टेंट है, लोहांगी पहाड़ी, इसे राजेंद्र गिरी के नाम से भी जानते हैं। हिंडोला तोरण भगवान विष्णु को समर्पित है। नौलखी आश्रम ये गंज बसौदा में है, याद रखिए गंज बसौदा में। विजय मंदिर यवन ऋषि की तपोस्थली, इसे चरण तीर्थ भी कहते हैं। सोला कंबी मंदिर गडरमल मंदिर और चंद्रनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है प्राचीन, तो ये कुछ पर्यटन स्थल थे, इनके बारे में आपको पता होना जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं और कुछ, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा का नाम 1952 में दिया था, याद रखिए तत्कालीन विदिशा का जो नाम है वो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति ने दिया था, इसे याद रखिए। विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है, बेतवा नदी के तट पे ओरछा बसा हुआ है, सागर जिले की बीना तहसील बसी हुई है, भोपाल से भी गुजरी है, ये कुछ प्रमुख है, बाकी याद रखिए विदिशा बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उमरा गांव, रायसेन जिले के उमरा गांव से हुआ है, तो अपन रायसेन में आगे देखेंगे। बाकी याद रखिए यहाँ से विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पे बसा है। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोज तहसील के नैन वकस ग्राम के ताल से हुआ है, जो यमुना की सहायक नदी है,
याद रखिए इसे भी, कहाँ से हुआ है? सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोज तहसील। ये सिरोज तहसील वही है जो मध्य प्रदेश के गठन के समय राजस्थान से लेके अपने यहाँ ले ली गई थी, यानी विदिशा जिले में शामिल की गई थी। याद रखिए ये सिरोज तहसील गठन के समय विदिशा जिले में शामिल की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, सिंध नदी का उद्गम, सिंध को काली सिंध के साथ कंफ्यूज नहीं करना। काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो देवास के बागली तहसील से हुआ है और वो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और ये सिंध यमुना की सहायक नदी है। तो आगे देखते हैं, सर्वाधिक चना मध्य प्रदेश में विदिशा में होता है। याद रखिए मध्य प्रदेश के जितने जिले में सबसे ज्यादा चना जो है विदिशा में होता है, और चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मैंने आपको बताया था सोयाबीन, चना, अरहर और तिलहन, ये चार चीजों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। तो चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? विदिशा में। गंज सौदा में वनस्पति घी उद्योग है, याद रखिए गंज सौदा में वनस्पति घी उद्योग है, और गंज सौदा रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गंज सौदा रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। प्लास्टिक उद्योग विदिशा, गंज सौदा में कृषि महाविद्यालय है और सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कृषि महाविद्यालय यहां भी है एक, और सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा। हलाली नहर, ऐसा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, हलाली नहर कहां पर करके? विदिशा। हलाली नहर पर हलाली परियोजना है, हलाली परियोजना कहाँ है? विदिशा में। इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिए। आगे देखिए, कुरवाई प्रसिद्ध मंडी है, विदिशा जिले की एक मंडी है कुरवाई, और मध्य प्रदेश का 1955 में गंज सौदा विदिशा में सर्वाधिक तापमान अधिकतम 48.90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो इसे याद रखिए, कहाँ पे किया गया था? गंज सौदा में। अभी तक का 1955 की बात है, अधिकतम तापमान 1948 में दर्ज किया गया था। तो इसे याद रखिए, मध्य प्रदेश की ऋतुएं से में से पूछी जाती है, ये सिलेबस में है, याद रखिए। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के विदिशा क्षेत्र से हुई थी। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के विदिशा क्षेत्र से हुई थी, क्षेत्र से हुई थी, याद रखना, जिले से नहीं, क्षेत्र से। उसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन था, याद रखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से हुई? तो वो नीमच से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में नीमच से हुई थी, याद रखिए। तो नीमच आएगा जब देखेंगे। तो इतनी फैक्ट थे, और कुछ बचे? आगे देखते हैं, आगे देखिए, विदिशा में नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की जन्म स्थली है विदिशा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की जन्म स्थली है विदिशा। याद रखिए, महान व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी, महान व्यक्ति बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध थे, याद रखिए, महान व्यक्ति बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध थे। इन्होंने 1990 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और देश भर में बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए कार्य किया और समाज सेवक हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबल मिला है, याद रखिए 2014 में मिला है, और 2014 में ही शांति का नोबल पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जाई को भी मिला था साथ में, याद रखिए। 2014 भी उन्हें भी मिला है और इन्हें भी 2014 में मिला था, सन आता है पेपर में, 2014 में मिला है शांति का नोबल। कैलाश सत्यार्थी की जन्म स्थली है विदिशा, ये सब इंपॉर्टेंट थी। बचपन बचाओ आंदोलन, और दो आंदोलन बताता हूँ मैं आपको जहाँ से आते हैं। एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, और एक और है चिपको आंदोलन, ये है सुंदरलाल बहुगोड़ा। दो याद रखिए,
बाकी बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी। आगे देखते हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है विदिशा, ये भी आपको पता होना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है विदिशा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है। सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है विदिशा। वैसे ही लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का संसदीय क्षेत्र है इंदौर, तो ये क्वेश्चन आया इंदौर वाला। और ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनका इंदौर है, वहां से 8 बार सांसद रह चुकी हैं, और इन्हें इनका जो निकनेम है या इन्हें ताई के नाम से जानते हैं, तो ये पूछा था व्यापम में, इन्हें ताई के नाम से जानते हैं। और सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है विदिशा, तो इतने फैक्ट थे इंपॉर्टेंट विदिशा से जो परीक्षा में आने के चांसेस है। तो विदिशा से इतना ही, आपको ये लेक्चर कैसा लगता है आप हमें बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।